जय ऑटो करोलबाग। स्कॉर्पियो क्लासिक दिखा रहे, पूरी हमने बेस टू टॉप कर दिया। 8500 रुपए की डीआर की प्राइसिंग लेके चलना है, 2500 रुपए की फॉगलाइट की प्राइसिंग लेके चलना है। ठीक है, और S11 वाली हेडलैम्प चाहिए किसी को? 15000 रुपए लेके चलना होगा। बॉडी पेंट 15000 रुपए लेके चलना होगा आपको। साइड मिरर इसमें चेंजेस है, विद इंडिकेटर वाले 15000 में। इसमें स्पॉइलर, पिलर लाइट्स भी नहीं आती थी? नहीं, डमी आते हैं, स्टॉक रेड कलर के आते हैं, उसमें लाइटिंग नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें स्कैनिंग मोड मिल जाता है हमें? स्कैनिंग मोड वाला पिलर चाहिए, मिल जाएगा। हर स्कॉर्पियो अगर नई चीज़ मैं ला के दूंगा, स्कॉर्पियो की महिंद्रा वाले ने लगा के दिया, अब इसकी जगह यहाँ नहीं, इसकी जगह यहाँ है, समझ लो। पूरी क्लासिक लुक दिया गया, क्लासिक वाला जो अपना आता है क्लासिक में, वही सेम वाला करा है। इसके अंदर जो आता था वो तो कुछ होता ही नहीं था, ब्लैक कलर आता है, ब्लैक आता है। 150 वाट, ठीक है, 150 वाट की LED, मतलब ये सारे स्कॉर्पियो वाले भाइयों को पसंद है, ये तो चाहिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आते हैं जय ऑटो करोलबाग, फिर से स्कॉर्पियो क्लासिक, और स्कॉर्पियो क्लासिक दिखा रहे, पूरी हमने बेस्ट टू टॉप कर दिया, अभी बेस्ट टू टॉप कर दिए। एक आध चीज कमी अभी भी है, कंप्लीटेड है अभी गाड़ी। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, S11 कर दिया, S11 जो है सच्चाई वही बताऊंगा, हेडलाइट नहीं किया, तो एक अच्छा खासा काम हो रखा है इसके अंदर। तो फ्रंट से इसमें क्या क्या चेंजेस करा हुआ? सबसे पहले बॉडी पेंट हुआ है, ठीक है, क्लासिक जो अपना रो आता है, बम्पर वगैरह पेंटेड नहीं होते थे, बिल्कुल रो आता है, बिल्कुल मैट ब्लैक आता है, तो सबसे पहले बॉडी पेंट हुआ है। उसके बाद महिंद्रा जेन्युइन फॉगलाइट डाला है, महिंद्रा जेन्युइन इसमें DRL डाला है, ठीक है, और हेडलैम्प्स भी अपग्रेड करवा स्लॉटिंग डाला है इसमें, ठीक है। किसी भाई को हेडलाइट चाहिए, हेडलाइट भी मिल जाएगा, 15000-15500 के बजट लेके चलना होगा आपको। स्टॉक हेडलाइट इसमें LED का इंस्टॉलमेंट हुआ है, जो मैं आपको जला के दिखा देता हूँ। LED का रिस्पॉन्स दिखाते हैं, फॉगलैम्प में भी है? नहीं, फॉगलाइट अपना नॉर्मली है, मैंने हेडलाइट में डाला है। ये लोबी में, ये हाई बी में, एक बार फ्रंट का रिस्पॉन्स दिखाते हैं। ये देखो, तो डिपर मानना एक बार, ये देखो, ठीक है, कितने वॉट्स की है? 220 वाट, ठीक है। तो और क्या क्या चेंजेस करा हुआ है फ्रंट से मैं बता देता हूँ। हेडलाइट अपना स्टॉक में LED में दिखा दिया हूँ, स्टॉक ग्रिल के अंदर इसमें क्रोम की स्लॉट डल गया, ठीक है। प्राइसिंग के साथ बता दो, बिल्कुल 1600 रुपए की अपना इसकी प्राइसिंग लेके चलना, ठीक है। 8500 रुपए की DRL की प्राइसिंग लेके चलना है, 2500 रुपए की फॉगलाइट की प्राइसिंग लेके चलना, ठीक है। और S11 वाली हेडलैम्प चाहिए किसी को? 15000-15500 रुपए लेके चलना होगा। बॉडी पेंट 15000 रुपए लेके चलना होगा आपको, ठीक है। हमने सब कॉस्टिंग बता दी आपको, एक बार साइड से दिखाते हैं, साइड से क्या चेंजेस करा हुआ है इसके अंदर। साइड की बात करें तो स्टॉक टायर में BN इसमें अपना हेलो डलवाली अफ्टर मार्केट है, ठीक है भाई। कितने का डलवाया भैया, हमने लास्ट में रिव्यू में बता देंगे तो आपको। S11 वाले मिल जाएंगे? मिल जाएगा। कितने के कॉस्टिंग? अभी तो थोड़ा रेट चढ़ा हुआ है, 23-24000 रुपये रेट चढ़ा हुआ है, 23-24 अभी थोड़ा रेट ऊपर है, बाकी ऑल ओवर सारा काम करवाते हो तो उसमें थोड़ा बहुत हो जाता है डिस्काउंट, ठीक है। मेनली पेंट की क्वालिटी दिखाते हैं आपको एक बार, ये देखो क्वालिटी, बिल्कुल जो सेम पेंट जो कंपनी क्वालिटी, मेन भैया पेंट का गेम है, ये नहीं फुल ब्लैक कर दिया, रो कर दिया आपकी गाड़ी का पेंट हो गया, ऐसे नहीं। जो प्रॉपर S11 में आता है, जो S11 के अंदर लिखा हुआ, जो प्रॉपर S11 में आता है वही करके दूंगा आपको, बिल्कुल। तो साइड वेंट भी हमने सिल्वर करा हुआ है, बॉडी पेंट के साथ इसमें साइड वेंट हो गया, साथ में इसमें हैंडल पेंट भी हो गया, ठीक है। हैंडल्स भी इंक्लूड होते हैं पूरे पैकेज में? पूरी पैकेज में, ठीक है। तो मिरर भी चेंज करा हुआ है? साइड मिरर इसमें चेंजेस है, विद इंडिकेटर वाले, स्विच से एडजस्टिंग है। स्कॉर्पियो क्लासिक में फोल्डिंग नहीं आता है, ठीक है, फोल्डिंग नहीं आता, नहीं आता है। और तो साइड का लुक दिखा देते हैं, तो डोर वाइजर वगैरह क्रोम लाइनिंग, ये भैया का महिंद्रा का डोर वाइजर ओरिजिनल है, ठीक है। फुटरेस भैया का महिंद्रा का, महिंद्रा में एसेसरीज में डाला हुआ है, मगर आफ्टर मार्केट फुटरेस, ये देखो ये महिंद्रा से लगवाया हुआ है, इसमें कॉर्नर्स नहीं आते, फुटरेस आफ्टर मार्केट हुआ है, इसमें अपना कॉर्नर हमने डाला, कुछ नॉर्मल कॉर्नर के साथ आता है महिंद्रा। ये महिंद्रा में ही कितने का मिल जाता होगा? महिंद्रा आपको 9,500-9,000 रुपये देता है, और हमारे पास जो आता है 6,500 रुपये की, वो भी ओरिजिनल फुटरेस है, आफ्टर मार्केट फुटरेस है, जो महिंद्रा में एसेसरीज में लग रहा है, ठीक है। हमने कॉस्टिंग बता दी, आप ले सकते हो हमारे पास आके, काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें कॉर्नर्स भी नहीं आते, बल्कि छोटा कॉर्नर आता है, अभी लास्ट में भैया का मूड बना तो भैया ने डलवा लिया, ठीक है। तो ऊपर रूफ रेल भी लगी हुई है? रूफ रेल भैया का महिंद्रा के डला हुआ है, मगर एक बात अच्छा लगा, जो कंपनी वाले ने इस भैया गाड़ी में ओरिजिनल डाल दिया, ठीक है, ओरिजिनल बोल्ट वाला, बिल्कुल, बहुत चिपका के दे देते हैं, बट भैया का ओरिजिनल डला हुआ है। किसी भाई को चाहिए अभी मिल जाएगा 5500 रुपये की, ठीक है, 5500, बिल्कुल सेम हम कॉस्टिंग के साथ चलेंगे सारी पूरी वीडियो में। तो बैक से दिखाते एक बार, तो लुक जो क्लासिक S का देखो, अभी भी बैज लगा हुआ है, क्लासिक ऐसी है, अभी लगा दूंगा अभी S11 की, S11 वाला लगा, बिल्कुल। बैक से दिखाते हैं क्या क्या चेंजेस करा हुआ है हमने। सबसे पहले बैक की बात करें तो महिंद्रा जेन्युइन इसमें स्पॉइलर, ठीक है, ना कि कोई यहाँ से क्लैंप, ना कोई वायरिंग, ठीक है। फिटमेंट देखो ओरिजिनल है, बॉडी होलो को लगता है, ठीक है, बिल्कुल। और इसमें पिलर लाइट्स भी नहीं आती थी? नहीं, डमी आते हैं, स्टॉक रेड कलर के आते हैं, उसमें लाइटिंग नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें स्कैनिंग मोड मिल जाता है? स्कैनिंग मोड वाला पिलर चाहिए, मिल जाएगा, और लग ये वाला मोड, ब्रेक वगैरह सारी चीजें, तीन मोड होता है, पार्किंग होता है, ब्रेक होता है, और इंडिकेटर होता है, ये दो इंडिकेटर हो गया है।
ये जो सेंटर में चल रही है इंडिकेटर है, बिल्कुल ब्रेक पे थोड़ा तेज हो जाता है। टेल लैंप भी आ चुकी है। किसी भाई को टेल लाइट चाहिए, फर्स्ट टाइम इंडिया, हर स्कॉर्पियो अगर नई चीज मैं ला के दूंगा स्कॉर्पियो की। ठीक है, मैं नहीं, जे ऑटो, जे ऑटो ला के दूंगा। एक ही बात है तुम्हारे पास है या जे ऑटो। अभी टेल लाइट पिछले एक महीने से हमारे वीडियो में रील में देख रहे होंगे और अभी तक हमारे पास ही है। ठीक है, तो जो कन्वर्जन वाली गाड़ी उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें वाइपर भी दिख रहा है, वाइपर डमी है। ठीक है, डमी वाइपर है, अगर वर्किंग करवाना हो तो वो भी करवा, वर्किंग भी हो जाएगा। कैमरा इसमें डल गया हुआ, नाइट विजन ब्लोपंग का कैमरा है। ठीक है, ब्लोपंग का कैमरा इंस्टॉल करा हुआ है। बाकी नीचे रिफ्लेक्टर लग चुका है। बाकी इसका बंपर पट्टा आता है, रियर गार्ड चाहिए, सारे मिल जाएगा आपको। मतलब सारी चीज अवेलेबल है अपने पास। अपने पास ए टू जेड सारी चीज अवेलेबल होते हैं स्कॉर्पियो के लेके। ठीक है, तो अगर किसी को वाइपर वर्किंग कराना है और विदाउट वर्किंग, 1500 रुपये डमी है, वर्किंग करवा तो 8,500 रुपये की है। ठीक है, इसके भी किसी भाई को डिफॉगर का अगर ऑप्शन है वो भी चाहिए वो मिल जाएगा, 6,500 रुपये उसका खर्चा आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपका ग्लास रिप्लेस होगा और डिफॉगर आ जाएगा इसके अंदर। तो अंदर से एक बार दिखाते हैं। बिल्कुल, तो डोर पैनल से स्टार्ट करते हैं, क्या लगा रखा है इसके अंदर? भैया लगा नहीं रखा हूँ, महिंद्रा वाले ने लगा के दिया है। अब इसकी जगह यहाँ नहीं, इसकी जगह यहाँ है समझ लो। ठीक है, आप फेंक रहे हो, फेंक दे, इसका काम ही खत्म है। गुस्सा आ गया दिलीप भैया, अपना संभाल के ले जाएंगे, भैया भी संभाल के रखेंगे, 10-15 दिन के मेरे पास भैया भी फेंक देंगे। ठीक है, वैसे इसकी कोई नीड ही नहीं है, कोई नीड ही नहीं है। देखो ना हमने क्या डाल दिया, टॉप मॉडल पूरी बना दिया है। ठीक है, तो इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ें दिख रही है, एम्बियंस लाइट है और डोर रैपिंग। ठीक है, जो S11 में उन चीजें नहीं आता है। ठीक है, तो पूरी इसमें डोर बना के दिया अभी। देखो डोर पैनल की बजट की बात करें तो 25,000 रुपये लेके चलना होगा आपको, बाकी ऑल ओवर टोटल काम करवाते तो उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसमें एक्स्ट्रा एक तो ये हो गया, लेदर राइट करा हुआ हमने, सॉफ्ट टच हो गया, एम्बियंस लाइट हो गया, बाकी इसका जो भी पार्ट डला है, स्विचेज हो गया, पूरी डोर हो गया, रबर हो गया, लैच हो गया, सब कुछ, मतलब ये कंप्लीट होता है 25,000 के अंदर। कोई इसमें मैनुअल किट या कोई लैच कोई इसमें अलग से नहीं आता है। ठीक है, ये देखो आप कंट्रोल वगैरह सारी चीज़ें कर ली हमने, तो बैक वाला भी कंट्रोल कर सकते हो यहीं से ही, जो सेंटर से करना पड़ता था कंट्रोल, वहाँ ग्लास होल्डर, अब वहाँ पे ग्लास होल्डर आ गया ना, दो भाई बैठ के अपना दो ग्लास रख सकते हैं उसमें। ठीक है, बिल्कुल, वो ऐसे हम बोले ग्लास पानी का भी रख सकते हैं, भैया समझने के ऊपर डिपेंड करता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये इसके अंदर कौन से पाइनियर ट्विटर के स्लॉट लगा दिया, जो पाइनियर के कंपोनेंट है, पाइनियर के कंपोनेंट सेम सैश के अंदर ही ट्विटर लगा दिया। बाकी यहाँ पे है अपना साइड मिरर, ORVM का स्विच, कंट्रोल करके दिखाते हैं, राइट लेफ्ट अप डाउन, तो इजीली यहीं से कंट्रोल कर सकते हो, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों का, और सेंटर पे रख दोगे तो कहीं का कंट्रोल। बिल्कुल, ठीक है, उस साइड से आ जाओ, दिखा दो। तो इंटीरियर में आ गए, इंटीरियर से दिखाते क्या क्या चेंजेस। सबसे पहले थाई सपोर्ट वाली सीट कवर। ठीक है, सीट कवर, और आजकल मेनली हमारा सबसे अच्छा तो सीट कवर वही चल रहा है जो बेज में हमने दिखाया था, जो अंदर के इंटीरियर कलर है। ठीक है, वो भी काफी अच्छा लगता है, ब्लैक है, टेन है, मतलब ऑलमोस्ट 10 कलर मिल जाएगा। लेकिन मोस्टली स्कॉर्पियो वाले भाइयों को ब्लैक कलर ही ज्यादा पसंद आता है, अंदर के इंटीरियर के हिसाब से ब्लैक ज्यादा बेटर है। ठीक है, उसके बाद इसमें आर्मरेस्ट लगा दिए। ठीक है, आर्मरेस्ट भी लगा रखा है, इसके अंदर आर्मरेस्ट भी नहीं आता, नहीं आता, नॉर्मल अपना सीट प्लेन आता है। ठीक है, मेनली थाई सपोर्ट देखो यहाँ से कुशनिंग, और एक बैक कुशनिंग भी देते हैं। ठीक है, ये नहीं कि यही डिजाइन है, और भी डिजाइन मिल जाएंगे, बहुत सारे डिजाइन है, अगर वो डिजाइन आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई अपने मनपसंद डिजाइन बनवा भी सकते हो। ठीक है, और आर्मरेस्ट क्या प्राइसिंग में लगा है? 4500 रुपये की रेंज है आर्मरेस्ट की। ठीक है, और अपने पास 5500 रुपये से स्टार्टिंग होते हैं। ठीक है, जो ये सीट को लगाया काफी अच्छे, 500 दिन की वारंटी भी होते हैं। ठीक है, ये अच्छी क्वालिटी वाले, 5500 रुपये वालों की क्वालिटी एक तो स्टार्टिंग रेंज होती है, चाहिए मिल जाएगा उस रेंज की सीट कवर। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर में ग्लास होल्डर लगा दिया, पहले इसमें अपना जो पावर विंडो का किट का ऑप्शन होता है, अब तो डोर में आ गया सारे महिंद्रा पार्ट, इसमें अपना ग्लास होल्डर आ गया, बोतल होल्डर कह लो। ठीक है, तो अंदर बैठ के दिखाते हैं क्या क्या करो। तो इंटीरियर में आ चुके हैं, यहाँ से आपको क्लासिक एस लग रहा होगा, लेकिन आप सोच रहे हो ये बीच का बेजल कौन सा वेरियंट में आता है, क्लासिक एस11 में आता है। ठीक है, S11 में ये सेंटर बेजल आता है, पियानो ब्लैक, वो भी स्पार्कल पेंट है, देखो सस्ते वाला हाइड्रोटेप नहीं है, मतलब दिलीप भाई के पास आओगे तो अच्छा खासा काम होगा। बाकी इसमें स्टीयरिंग रैपिंग और ओरिजिनल। ठीक है, ये ओरिजिनल जो स्टीयरिंग रैप, भैया ने स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं लगवाया है। ठीक है, कंट्रोल नहीं लगवाया, मुझे लग रहा है आपके पास, कह रहा भैया जब मैं यहीं से टच कर लूंगा तो वहां से क्यों अपना 5000 रुपये खर्चा करूं। ठीक है, मुझे लग रहा है कहीं आपके पास स्टॉक तो नहीं है, स्टॉक तो फुल है, फुल है, फुल है। ठीक है, स्टॉक अपने पास फुल है, बाकी हमें उस वाली गाड़ी में भी आपको दिखाया, उस वाली गाड़ी में नहीं दिखाया, अपने पास एक और आ रखी है गाड़ी जो ओल्ड टू न्यू में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, और अच्छे लेवल के दिखाऊंगा, ऐसे नहीं आगे पीछे बम्पर चेंज कर दिया, गार्निश लगा दिया, हो गया। ठीक है, तो सेंटर से आप यहाँ पे कंट्रोल्स लगवा सकते हो, उसमें ऑडियो कंट्रोल होते हैं, राइट साइड वाला कंट्रोल कुछ भी नहीं होता उसमें, वो डमी होता है। ठीक है, वो डमी पीस होता है। बाकी सेंटर की बात करें तो इसमें एंड्रॉइड इंस्टॉल करा हुआ है, एंड्रॉइड 432 कार प्ले, उसके साथ देखो पूरी क्लासिक लुक दिया गया, ये क्लासिक वाला जो अपना आता है क्लासिक में वही सेम वाला करा है, इसके अंदर जो आता था वो तो कुछ होता ही नहीं था, ब्लैक कलर में होता था, ब्लैक आता है। ठीक है, उसको हमने टोटली चेंज कर दिया, बाकी आपको करवाना है तो आप करवा सकते हो, ब्लैक वाला फ्रेम तो हम लगाते ही नहीं अब,
बिल्कुल बंद हो चुका अब तो खत्म ही कर दिया वो बिल्कुल ठीक है। और एसी क्रोम भी लग सकता था इसके अंदर जो अभी दूसरी गाड़ी में वो दिखाया था ठीक है, वो दिखाया इस वीडियो में नहीं दिखाया था, वो दूसरी वीडियो मतलब है ठीक है। तो एसी क्रोम भी लगवा सकते हो अगर आपको लगवाना है। बाकी इसके अंदर इतनी लाइट का राज क्या है, 150 वाट ठीक है, 150 वाट की एलईडी, मतलब ये सारे स्कॉर्पियो वाले भाइयों को पसंद है, ये तो चाहिए ही चाहिए ठीक है। ये भी हमने इंस्टॉल करा हुआ है बिल्कुल, ये भी आप करवा सकते हो अगर आपको करवाना है तो। तो दिलीप भाई इसके अंदर ऑलमोस्ट सारा ही काम करा है, मतलब थोड़ा कैमरा फ्रंट कंपोनेंट एयर ओवल कैमरे की डैम्पिंग बहुत सारे काम हो रखे हैं ठीक है। अब पैकअप होने के बाद सारी चीजें नहीं दिखा पाते हैं ठीक है। एक बार आपको दिखाते हैं कैमरे की क्वालिटी, ये कैमरे की क्वालिटी रहने वाली है ठीक है। तो ये क्वालिटी है, बाकी इसके अंदर ऑडियो तो पीछे पायनियर के ओवल भी लगे, पायनियर का सेटअप है, सारे 600 वाट की ओवल है, कंपोनेंट है ठीक है। अगर किसी को एक बेसिक S11 बनानी है तो क्या बजट लेवल का मॉडिफिकेशन करवाते हो, अलॉय छोड़ के जो अपना मार्केट वाले भैया ने लगवाया, 1.5 लाख का बजट लेके चलना होगा आपको, 1 से 1.5 लाख का बजट लेके इसका इस तरीके का 1.5 लाख का बजट लेके। अच्छा ऐसा काम अगर आपको चाहिए उसमें अलॉय इंक्लूड होगा या नहीं होगा 1.5 लाख के पैकेज में? नहीं होगा ठीक है। अगर आपको करवाना है तो ऐसा काम तो 1.5 लाख का है बिल्कुल। इसमें कंट्रोल्स भी आ जाएंगे, कंट्रोल आ जाएगा, कंट्रोल्स वगैरह आ जाएंगे ठीक है। तो मतलब थोड़ी बहुत चीजें जो ऐड हो जाएगी 1.5 लाख वाले पैकेज के अंदर, बाकी हमने दिखा दिया तो कस्टमर का भी एक बार रिव्यू जानते हैं, मेन कस्टमर रिव्यू होता है ठीक है। सो फाइनली अपनी स्कॉर्पियो क्लासिक एस का काम कंप्लीट हो गया। तो भैया लोगों की गाड़ी है, नाम जानते हैं उनका? हिमांशु चौधरी ठीक है, शुभम चौधरी बिजनौर से, उषी चौधरी बिजनौर से ठीक है। तो आपको कैसे पता लगा जय ऑटो के बारे में? ओनली इंस्टा पे देखा था, इंस्टा पे से ही सारी रील्स अपनी सारी सीन की सब देखा, जो चीज जेनवन जो देखी थी रील में वही चीज अभी यहाँ अवेलेबल मिली है ठीक है, सारी चीजें मिली बिल्कुल टोटली, जो चीज उन्होंने वीडियो में बोली थी वही चीज हमें इन्होंने सामने से फेस टू फेस वही चीज बताई है ठीक है। तो जैसा वीडियोस में था सेम वैसे ही काम बिल्कुल, किसी चीज की कोई कमी नहीं, कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं है, सब ठीक है, सब ठीक है, ओके है। जो चीज बोली थी सही थी, प्राइस जो बोले वीडियो में भी बोले गए थे वही सेम है ठीक है, सारे सेम है। एक छोटी सी रेटिंग लेते हैं, 10 में से आप कितनी दोगे? 10 वाइज अभी तो देखे जाए तो 8 to 7, वो इसलिए अभी देखते हैं चीज, अरे अभी नहीं जाना है, सुबह जाएगा, सुबह जाएगा, अब वो इसलिए चेक होएगा, देखेंगे उसके बाद अलग से तुम्हें, तुम मेरे की वीडियो फिर दोबारा से डालना, उस पर रेटिंग अलग से दूंगा ठीक है। तो अभी भैया जा रहे हैं गाड़ी छोड़ के, थोड़ा बहुत काम बचा उनका, बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया, जैसा देख के आए थे सोच के आए थे वही काम हुआ, बिल्कुल जेन्युइन ठीक है। दोबारा मौका मिले आओगे? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, हमारे यार दोस्त सभी हैं प्रॉपर, अगर स्कॉर्पियो होगी दिल्ली में तो जय ऑटो पे होगी, नहीं तो नहीं होगी। जॉन में बहुत बेस है इस चीज का ना, जॉन से भी गाड़ी लेंगे, नहीं इनके पास जरूर आए ठीक है। तो हमने दिखा दिया आज बेस मॉडल तैयार करी हुई, तो दिलीप भाई लमसम क्या कॉस्टिंग आ जाती है? देखो कंप्लीट अभी टोटल हुआ नहीं, मैक्सिमम 155-160 तक जाएगा ठीक है। तो हमने कॉस्टिंग बता दी, बाकी भैया एलॉय कितने के लगवाए थे हमने? एलॉय जो लगे हैं वैसे कॉस्ट तो बहुत बोलते हैं यानी, अभी जो हमारा जो फाइनल जो हुआ वो 28 का हुआ है, 28,000 आपके पुराने टायर और रिम्स दे के, रिम भैया को वही है, टायर वही है, टायर वही है, सेम टायर, रिम रिम रिटर्न हो गया, हम लिया है वो, हमने दिए नहीं, हम वापिस अपना लिया है उसको। 28,000 में एलॉय लगे सेम टायर के अंदर, सेम टायर के अंदर, सेम वही टायर, ऑप्शन भी था, हाँ था वो भी ऑप्शन है, पर वो नहीं, हमने वो चेंज हुए नहीं, वो 17 इंची में वही सेम हमें टायर अपने वही अवेलेबल हो गया, वो ठीक है फिर, अच्छा लगा वो ठीक है। तो कॉस्टिंग भी हमने बता दी एलॉय की, अगर पसंद आती है तो इतने के अराउंड, वो भी सजेस्ट इन्होंने किया भैया ने हमें कि कहाँ जाना, कौन सा एलॉय व्हील के पास जाना ना, जो है यहाँ पे बहुत सारे भाई ने सजेस्ट करा, हाँ उन्होंने सजेस्ट करा, वही गए थे ठीक है। तो दिलीप भाई अब एंड करते हैं वीडियो को, अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।